जोगिया विकास खंड की ग्राम सभा कपिया में बीती रात आग लगने से एक मवेशी की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से जलकर घायल हो गई। पशुपालक शिव करण ने जानकारी देते हुए बताया कि रात को मच्छर भगाने के लिए धुआं लगाया था, अचानक कब आग लग गई इसकी जानकारी नहीं हो पाई, जिससे एक गाय जो गर्भ से थी जल्द ही बच्चे देने वाली थी, जिसकी कीमत लगभग 10,000 रही, जलकर मौत हो गई, वहीं एक घायल है। इस संबंध में ग्राम प्रधान हरिचंद्र ने बताया हल्का लेखपाल को सूचना दी गई, जो हो सकेगा सहायता कराई जाएगी। क्या नाम अपना? किस पद पर है आप? प्रधान कौन सा गांव है? कपिया। ये एक गाय जल गई है, क्या मामला है कुछ बताएंगे? आग लगा है। अच्छा, कैसे आग लगा? अभी तो भाई हम देखे नहीं, मौके पर रखे थे लोग। अच्छा, धीरे रखे थे। तभी क्या स्थिति है गाय की? गाय तो मर चुकी है। अच्छा, कितने लोग घायल हुई है? दो। अच्छा, एक घायल हुई है और एक मर गई है। मर गई। किसकी है? ये गौकरण की है। गौकरण की। सूचना दिया आपने किसी? लेखपाल को फोन किया। अच्छा, क्या बताया लेखपाल को? कह दिया हम आएंगे। अच्छा, अभी तक आए नहीं। कौन है लेखपाल? रामचरण गुप्ता। रामचरण गुप्ता। क्या नाम है चाचा अपना? गौकरण। कौन सा गाँव है? गाँव कौन सा है? कपिया। ये आपके घर पे भैंस जल गई है, कैसे घटना घटी? आग रखे थे धुआं के लिए। अच्छा, धुआं के लिए आग लगाए थे। ठीक। अच्छा, जो ये गाय मरी है, क्या स्थिति थी इसकी? कितने की लागत की रही होगी लगभग? अब गाभिन रही है। अच्छा, गाभिन थी। कितने रुपए की लगभग रही होगी गाय? कम से कम ना यही 10,000 के लगभग। मुझे काम कितना देते रहे हैं? 5,000। तो आप 10,000 मांग रहे थे, 5,000 मिल रहा था, आपने नहीं बेचा? दिए थे। अच्छा, और भी कोई जली है? हाँ, ये तो। अच्छा, अच्छा, इसी की बच्चा थी। तो उसकी क्या स्थिति है? बच्चा का मुश्किल भूख है। उसका भी बचना मुश्किल है। डॉक्टर आए कि नहीं अभी तक? फोन किए थे आप डॉक्टर को? फोन किए हैं। अच्छा, तो अभी आए नहीं। और लेखपाल वगैरह को सूचना दिए कि नहीं? लेखपाल से बात हुई है? दिया है। अच्छा, सूचना उनको भी हुआ? क्या कहे? बोले हैं कि मकान हमारा जल गया था, गाँव जल गया। आने के बोले हैं लेखपाल? आने के बोले, क्योंकि अभी इतना टाइम हो गया।